मैं आपके द्वारा पढ़ाई गई विधि से नहीं सीख सकता क्या आप मुझे उस विधि से पढ़ा नहीं सकते जिससे मैं सीख पाऊँ एक बच्चे की सभी भावनाएँ बहुत असही प्रकार से व्यक्त हुई हैं क्रियाकलाप करना और गणित सीखना बड़ा मनोरंजक कार्य है हम क्रियाकलाप करते हुए गणितीय संकल्पनाओं को सीख सकते हैं यहाँ हम दी हुई तीन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप करेंगे यहाँ प्रारंभ करने के लिए आइए तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें संख्याएं हैं तीन आठ और बारह इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जैसे एक समान अनुभागों वाले चार संख्या चार्ट अर्थात एक से सौ वाले चार्ट एक कटर और एक मार्कर अब हम एक से सौ तक वाले एक संख्या चार्ट लेते हैं तथा हम तीन से सभी गुणजनों पर घेरा लगाते हैं क्योंकि हमें तीन आठ और बारह का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हम इस प्रकार तीन के सभी गुणजों तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह और इत्यादि जैसे इक्कीस चौबीस सत्ताईस तीस इत्यादि पर घेरा लगाते हैं हमने इन पर सौ तक घेरे लगा दिए हैं अब हम एक अन्य संख्या चार्ट लेते हैं तथा आठ के सभी गुणजों पर घेरा लगाते हैं देखिए यह आठ सोलह चौबीस बत्तीस चालीस अड़तालीस छप्पन चौंसठ बहत्तर अस्सी अट्ठासी और छियानवे है इस प्रकार हम ऐसा ही एक और संख्या चार्ट लेते हैं तथा बारह के सभी गुणजों पर घेरा लगाते हैं यह हैं बारह चौबीस छत्तीस अड़तालीस साठ बहत्तर चौरासी और छियानवे अब हम इन गुणजों को कटर की सहायता से बहुत सावधानी से काट लेते हैं हमारा उद्देश्य इन संख्याओं को इस प्रकार काटना है इस विधि से हम तीन के सभी गुणजों को काट लेंगे ऐसा हमने पहले ही कर लिया है तीन के गुणजों को काटने के बाद चार्ट इस प्रकार दिखाई देता है हम यहां देख सकते हैं कि तीन छह इत्यादि सभी हटा दिए गए हैं इस प्रकार हम हटा देते हैं आठ के गुणजों आठ सोलह चौबीस बत्तीस इत्यादि को तथा इस पैटर्न पर हम काट कर हटा देते हैं बारह के गुणजों बारह चौबीस छत्तीस अड़तालीस साठ बहत्तर चौरासी और छियानवे को ऐसा करने के बाद हम इन चार्टों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तथा हमने एक और चार्ट लेकर इसे इनके नीचे रख दिया है हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि चार सर्वनिष्ठ गुणज तीन आठ और बारह चौबीस अड़तालीस बहत्तर और छियानवे हैं। अब इन गुणजों में लघुत्तम चौबीस है इसीलिए लघुत्तम समापवर्त्य तीन आठ और बारह का चौबीस है अब हम दी हुई तीन संख्याओं एच सी एफ अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं आइए यहाँ तीन संख्याओं पैंसठ पचहत्तर और अस्सी को लें इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जैसे कि एक से सौ तक का एक संख्या चार्ट तथा तीन विभिन्न रंगों वाले तीन स्टीकर जैसे लाल हरा और काला यहाँ क्योंकि पैंसठ है इसीलिए हम पैंसठ के गुणनखंड ज्ञात करेंगे आइए चिपकाएं हरे स्टीकरों को पैसठ के गुणनखंडों पर एक पांच तेरा और पैसठ यह पैसठ के गुणनखंड हैं अब हम पिचहत्तर के गुणनखंडों पर स्टीकरों को चिपकाते हैं एक तीन पांच पंद्रह पच्चीस और पिचत्तर अब हमारी तीसरी संख्या अस्सी है आइए चिपकाएं स्टीकरों को अस्सी के गुणनखंडों खंडों पर ये एक दो चार पांच आठ दस सोलह बीस चालीस और अस्सी है अब क्या आप सभी तीनों रंगों स्टीकरों वाले गुणनखंड देख सकते हैं हाँ यह है एक और पाँच है अब एक और पांच में कौन बड़ा गुणनखंड है यह पांच है अतः पांच महत्तम समापवर्तक है हमारी संख्याओं पैंसठ, पिचहत्तर और अस्सी का इसी प्रकार संख्याओं के अन्य संग्रहों के महत्तम समापवर्तक आप बड़ी संख्या चार्ट लेकर ज्ञात कर सकते हैं धन्यवाद